नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर जुबानी हमला बोला है। खगड़िया में आज सम्राट चौधरी ने कहा है कि 60 के दशक में जगदेव बाबू नारा देते थे कि 100 में 90 शोषित। कहने का मतलब था 10 लोग सामंतों की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन आज की तारीख में बिहार दो ही सामंत है, एक नीतीश कुमार और दूसरा लालू। दोनों ने 33 सालों तक शासन करके बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवा पदों पर 40,000 से ज्यादा रिक्तियों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgds.online.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार अपना विश्वास खो चुके हैं और अब बोझ बन गए हैं, लोग उन पर अब भरोसा नहीं करते हैं। वहीं अब सुशील मोदी के हमले का जवाब नीतीश कुमार ने दिया है। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पहुंचे मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी को चिढ़ाते हुए कहा है कि आज यहां जिसको पार्टी में कुछ नहीं बनाया वही सबसे ज्यादा बयान दे रहा है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, मेरे खिलाफ खूब बोलिए। विभिन्न सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार को अपनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम का विस्तार चमड़ा, खिलौने और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में करना चाहिए। यद्यपि सामान्यतः योजना के असर सकारात्मक रहने पर आम सहमति के बीच व्यवसायों और विशेषज्ञों का मानना है कि योजना अवधि बढ़ाने, प्रशासनिक अक्षमता और अनुपालन बोझ घटाने और व्यावसायिक आकस्मिकताओं के मामले में आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान किए जाने से इस प्रोग्राम की प्रभावकारिता में और सुधार होगा। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस पर सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए सीएम से पूछा है कि पहले भी आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था यह सबको मालूम है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने की तैयारी में। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना को ज्यादा बेहतर बनाने और उच्च मानसिक पेंशन के लिए धन जुटाने पर संभावित रूप से संसाधनों को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कार्य समिति की बैठक में भी तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार की ही बातें की, मतलब ये कि उस बैठक में सभी लोग मुख्यमंत्री के नाम का ही जाप करते रहे। मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि आखिर उन लोगों में से किस बात की बेचैनी है, क्यों सीएम के नाम से इतना परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि मई में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आ सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मई महीने में भारत में होने वाली SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री आ सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत और रिश्ते सुधारने की बात कह चुके हैं। पाक PM ने UAE के जरिए भारत से रिश्ते सुधारने की अपील की है। खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद में जुड़ी राजद नागालैंड में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सारी तैयारी कर ली है। पार्टी ने फैसला किया है कि वह यहां 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, यहां राजद ने भाजपा को भारी झटका देने के लिए तैयारी भी कर ली है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवरॉय लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने और उसमें काफी सुधार करने के लिए भी जाने जाते हैं। मीडिया ने डॉक्टर देवरॉय से विशेष बात की जिसमें उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू करने वाले राज्य वर्ष 2030 तक दिवालिया हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवरॉय ने इसे एक खतरनाक रुझान करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी वैश्विक समस्याओं से जूझ रहे विश्व के लिए भारत को उम्मीद की किरण माना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बाबा कोरोसी ने कहा है कि युद्ध, आतंकवादी, महंगाई, महामारी, ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहे दुनिया के तमाम देशों की हालत खस्ता हो चुकी है, इसके बावजूद भारत दुनिया के लिए उम्मीद बना है। सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो उक्त सभी वैश्विक समस्याओं का समाधान खोज रहा है। संसद का बजट सत्र आरंभ होने से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक बुलाई है। संसद के हर सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित होती रही है। बैठक में विपक्षी दल उन मुद्दों को रखते हैं जिन पर वह इस सत्र में चर्चा चाहते हैं। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी BBC की 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में चल रहे राजनीतिक विवाद
के बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार के डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के फैसले पर सवाल उठाए गए। शीर्ष अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए 6 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की है। इसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। कोचीन एयरपोर्ट पर शारजाह से आ रहे विमान की लैंडिंग के दौरान आई तकनीकी खराबी से हड़कंप मच गया है। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस के इस फ्लाइट में 183 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इसे लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी बयान जारी किया है। अडानी समूह के ओर से दिए गए जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग ने कहा है कि वह मानता है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और एक रोमांचक भविष्य के साथ एक उभरती हुई महाशक्ति है, पर यह अडानी समूह है जो इसके विकास की गाथा को बाधित कर रहा है। ताजा बयान में हिडनबर्ग ने लिखा है कि अडानी ग्रुप की रिपोर्ट में लिखी बातें जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रही है। राष्ट्रवादी एंगल देकर हमारी रिपोर्ट को भारत पर हमला बता दिया गया है। अडानी ग्रुप ने तो भारत की सफलता को सीधे सीधे अपने अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति से जोड़ लिया। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार भाजपा और मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी यात्रा में अहम भूमिका निभा रहे स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव खुद ही अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार की तारीफ कर बैठे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने यात्रा के समापन के समय जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद इच्छाधारी आंदोलन जीवी कहे जाने वाले योगेंद्र यादव ने एक वीडियो में बताया कि किस तरह आज जम्मू कश्मीर में अमन का राज है और आतंकवादियों का अब कोई डर नहीं रहा। अपने पैन कार्ड को आधार से जल्द लिंक करवा ले वरना यह रद्द हो जाएगी, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 अब बेहद करीब है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया है तो उसके बाद वह डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप फिर कभी पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने 31 मार्च 2023 तक अपने आधार और पैन लिंक नहीं कराए हैं तो उसका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। भारत और फ्रांस पिछले कुछ सालों में काफी करीब आए हैं और भारत फ्रांस से अपने इस दोस्ती का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस ने कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का अपग्रेड करने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीकी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंध और गहरे हो गए। भारत को AIP टेक्नोलॉजी मिलना बहुत ही बड़ी मदद माना जा रहा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने पानी के अंदर ही क्षमता के सभी मापदंडों को बदल दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन होगा। समापन सोमवार को श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में होगा। इस मौके पर राहुल गांधी ने 23 दलों को बुलावा भी भेजा, लेकिन सिर्फ 12 विपक्षी पार्टियां ही राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में समापन कार्य में शामिल हो रही हैं। 9 विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड धारकों को बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने घोषणा की कि वह क्रेडिट कार्ड के जरिए रेट पेमेंट्स पर 1% फीस वसूलेगा। यह नियम 1 फरवरी 2023 से प्रभावी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज अमेरिका की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह अपने समकक्ष जैक सुलिवन समेत अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच अब महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर के बाद यह वार्ता दोनों देशों के संबंध में बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज से 20 साल पहले 1 फरवरी 2023 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया था। कोलंबिया स्पेस सटल हादसे में 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। इसमें कुल भारतीय की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी शामिल थी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अगस्त 2003 में एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यान में उष्मा से बचाव के लिए बने कवच के टूट जाने से दुर्घटना घटी थी। देश भर में चर्चा का केंद्र बना MV गंगा विलास क्रूज कोलकाता के घाट पर डॉक किया गया और सोमवार को यूनेस्को धरोहर पूरब का अमेजन कहे जाने वाले जंगल सुंदरबन के लिए रवाना होगा। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में इस क्रूज ने मुर्शिदाबाद के रास्ते पश्चिमी बंगाल में प्रवेश किया और बाद में कोलकाता पहुंचा था। इस पोत के हुगली नदी पर के तट पर इंटरड्योर मेमोरियल जेटी पर डॉक किया गया। मध्य प्रदेश की रीवा की रहने वाली अवनी चतुर्वेदी ने एक और इतिहास रच दिया है। भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनने के बाद वे अब विदेश में होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाली पहली देश की महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने भारत और जापान के बीच हयाकुरी एयरबेस पर हो रहे युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2023 में सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाया था। अप्रैल मई 2024 में भारत में आम चुनाव होने हैं। इस साल संसद में पेश होने वाला बजट मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के लिए एक संतुलित बजट पेश करने का यह अंतिम अवसर है। उम्मीद की जा रही है कि वह ऐसा बजट पेश करेंगी जो आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।
अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने खासकर रेहड़ी पटरी नाई सब्जी बेचने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत 50,000 रुपए तक का लोन देने की घोषणा की। योजना की खास बात यह है कि लोन आपको बिना किसी गारंटी के दी जाएगी। लोन की शुरुआत 10,000 रुपए से की जाती है। क्रेडिट कार्ड ठीक रहने पर लोन की धनराशि 50,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को जिसे कोरोना काल में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, उसे इस बजट में बहुत उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी मनरेगा को अच्छे बजट मिलने की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने सालाना युद्धाभ्यास किया। इसका नाम है एक्सरसाइज तोपची। इसमें सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट अपने तोपों, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है। गोले दागे जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इस दौरान ट्रेनिंग भी होती है और कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दिया जाता है। आर्मी ट्रेनिंग कमांडो ने अपने ट्वीट में जो वीडियो दिखाया है उसे देखकर भारतीय सेना की ताकत का पता चलता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यह कब्जा हाल में नहीं बल्कि साल 1962 में हुआ था। इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि साल 1962 और साल 2020 में हुए युद्ध के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मार्च में भारत आ सकते हैं। ब्लिंकन के इस दौरान रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने की संभावना है। वह दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। एक अधिकारी के अनुसार ब्लिंकन की बैठकों को लेकर तैयारी की जा रही है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश मंत्री ब्लिंकन मई 2023 में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की नींव रखने के लिए अपने भारतीय समकक्ष और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, महमूद अंसारी, मनोज रवि शंकर, MD मासूम जफर अंसारी, जुबैर आलम, बाबूलाल मरांडी, विवेकानंद सिंह, प्रवीण कृष्णा, MD नौसाद रजा, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, नुन्नू गोलू कुमार और MD साकिर हुसैन। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से पुरानी पेंशन योजना को लागू करना कितना लाभदायक होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।